हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एयरफोर्स के लिए रागा का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये पिछले वर्ष का प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल इसी के आधार पर 2020 का प्रैक्टिस सेट भी आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2:8 ⁄4 मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं हम लोग कि 2 से 8 ये किस प्रकार से आ गया है। ठीक है, 2 से आपका 8 आया है, इसी प्रकार पूछा गया 4 से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 4 × 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 × 16 = 64, तो आपका कितना आएगा, 64 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका क्यूब कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला इसका करेक्ट होगा, 64। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, 9 72 तो 12 का आपका क्या आएगा। ठीक है, 9 72 तो 12 का आपको पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे कि 9 से यहाँ पर 72 लाया गया है। 72 कब आएगा, जब 9 8 करेंगे तभी 72 आएगा। इसी प्रकार देखिए, हम 12 8 कर लें तो 12 8 कितना होता है, 12 96, लेकिन हमें आपसे नहीं देखा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा फिर समझिए एक बार, 9 क्या है, 9 है 7 2, अगर हम 7 2 को जोड़ें कितना हो गया आपका, 9 आ गया है, समझिए बात को, 7 2 कितना होता है, 9। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने लिखें उनको जोड़ें कि हमारा कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, 12 निकल जाएगा तो जोड़िएगा, 8 4 कितना होता है, 12, 9 6 ये 15 होता है, यहाँ बात कहीं 5 1 6 होता है, यहाँ पर 7 6 13 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हुआ कि 8 4 आपका कितना गया है, 12। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, 240 का 16 सही 2/3% कितना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 सही 2/3 का मतलब कितना हुआ, तो देखिए 16 सही 2/3 का मतलब हुआ कि 16 3 48 और 2 कितना हुआ, 50/3, इसका मतलब हो गया 50/3। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 240 गुणा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 50/3 और है परसेंट, परसेंट का मतलब होता है पूरे के बटे के लिखेंगे हम यहाँ पर 100। ठीक है, इतना कर लिया हमने, सॉल्व करेंगे 0 0 और 0 0 कट जाएगा, आपका कितना बचा है, 24 × 5/3, 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 8 = 24, कितना आया आपका, आ गया है 8 × 5, 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है 40। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में देखा है 40, तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 और 15 का तृतीयानुपाती पूछा गया है कि 25 और 15 का तृतीयानुपाती कितना होगा। देखिए तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है B² / A। ठीक है, ये तृतीयानुपाती निकालने का सूत्र होता है, हम वही रखेंगे, बी हमारा ए वाला 25 है और बी वाला 15 है। ठीक है, तो B² का मतलब 15 × 15 कर लेंगे और अपान में 25 कर देंगे। ठीक है, अब इसे सिंपल से सॉल्व करिएगा, 15 × 5 = 15 और 5 × 25 और 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, आपका निकल के आ गया 3 × 3 कितना होता है, 9, आपका 9 आ गया है। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में आपको दे रखा है 9, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 25 नंबर आ गया है, निम्न श्रेणियों को पूरा करें, आपको इन श्रेणियों को पूरा करना है। 25 नंबर देखा है, ए डी जी जे, तो आगे क्या आएगा, ठीक है आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है ए डी जी जे, ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, फिर 7 10, तो बताइए पहले 1 फिर 3 जोड़े 4 हुआ, 4 3 7 7 3 10, तो 10 3 कितना होगा, 13 आपका आ जाएगा, और 13 पर क्या होता है, यम होता है, तो देखिए यम देखा आपको ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 26 नंबर आ गया है, फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, BDF लिखा हुआ है, BDF आगे देखा है HJL, उसके आगे NPR और उसके आगे आपको बताना है, तो देखिएगा यहाँ पर पहले B, B से D और D से F, मतलब 2 फिर 4 फिर 6, इसका ये हुआ, ये होता है 8 पर, J होता है 10 पर, L होता है 12 पर, इसी प्रकार देखिए ये होता है 14 पर, P होता है 16 पर और R कितना होता है 18 पर, तो आप बताइए 2 4 6 फिर 8 10 12 14 16 18, तो कितना आएगा, 20 22 24, तो 20 का मतलब टी, 22 का मतलब वी और 24 का मतलब एक्स, तो टी वी एक्स आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में आपको दिखा है टी वी एक्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपके सामने जो है दिया गया है और आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप क्या भरेंगे। तो देखिए क्या हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर आपको सब में दिख रहा है, यहाँ पर तेरा लिखा है बीच में, इसके बीच में तेरा है, यहाँ पर भी तेरा है, तो इसका मतलब है तेरा था सेम है, इसका मतलब आप चेक करेंगे इसके साइड में कितना कितना है। देखिए 4 2 4 3 लिखा हुआ है, अगर हम इसके जोड़ के देखें एक बार कि 4 2 4 3 जोड़िए कितना हुआ आपका, तो देखिए 4 2 6 6 4 10 10 3 कितना हुआ 13, यहाँ 13 आ गया है। यहाँ भी देखिए 2 3 5 5 5 10 10 3 13, तो सिंपल सा काम है, यहाँ पर भी इसका योग 13 होना चाहिए। देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 6 ये हो गए और योग कितना हो, योग हो हमारा 13, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रख लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 रखेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 13 आपका योग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा, 7। इसके बाद देखिएगा 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम एक लाइन करेंगे, ठीक है, अब बात समझिएगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद, अब देखिए पहले मान लीजिए ये आज की बात की जा रही है, ठीक है, आज समझिए बात को, आज और आने वाले कल, तो ये कल हुआ, ठीक है, कल ये हो गया, कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होता है, 1 2 3, 3 दिन बाद क्या है, ये क्या है, ये है शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार है, तो पूछा गया है बीते हुए कल, बीते हुए कल का मतलब ये, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो मतलब 1 2 3, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो है कौन सा दिन था, यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे, दिन निकालने के लिए हम यहाँ पर 6 छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 ऑप्शन इसके गैप कर देंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी आपका शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, और शुक्रवार से 1 दिन पहले पूछा गया है, तो शुक्रवार से 1 दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 28 नंबर का होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार। इसके बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में लिखने पर प्रथम शब्द ज्ञात करें, इसमें प्रथम शब्द क्या आएगा। 29 नंबर में आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पेड़, फूल, पौधा और फल, मतलब नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 3, नंबर 4, पहले निकाल लीजिएगा उसके बाद आप बता सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 पर क्या होता है, सबसे पहले पौधा होता है, ठीक है, नंबर 1 पर होता है पौधा, पौधे के बाद क्या होता है, पौधे के बाद पेड़ क्या होता है, तो नंबर 2 पर आता है पेड़, उसके बाद उसमें क्या आता है, फूल आता है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें फल लगता है। तो बात की गई है प्रथम शब्द क्या ज्ञात करें, ठीक है, मतलब प्राकृतिक क्रम में रखने पर प्रथम शब्द ज्ञात करें, तो प्रथम शब्द क्या आएगा आपका, यह आएगा पौधा, ठीक है, पौधा आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंडिया के लिए JOEJB लिखा है, तो दिल्ली के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर INDIA, इंडिया को लिखते हैं JOE और JB, इतना लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आई से हम लोग कहाँ पर गए, जे पर गए, तो आई कितना होता है, 9 पर होता है, और जे कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या किया गया, प्लस का 1 किया गया है। अब देखिए यन से गए हैं हम लोग ओ पर, यन से कहाँ गए, ओ, यन 14, ओ 15, इसका प्लस का 1 किया गया है। फिर देखिए डी से गए ई पर, तो डी होता है 4 पर, ई होता है 5, मतलब प्लस का 1, तो इस प्रकार से देखिए ए से गए बी पर, तो मतलब प्लस का 1 किया गया है सभी में, ठीक है, प्लस का 1 सभी में किया गया है, तो यहाँ पर ही प्लस का 1 करेंगे, लिखा है DELHI, दिल्ली लिखा है, और आपको यहाँ पर बताना है, तो देखिए प्लस का 1 करिए सब में, सब में प्लस का 1 करेंगे, डी का हो जाएगा ए, और देखिए ई का होगा एफ, इसका देखिए एल का होगा, एल का मतलब क्या होगा एम, और एच का होगा आई, और आई का क्या होगा जे, तो ई एफ और एम आई जे, ई एफ एम आई जे किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी वाले में दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखा है बूढ़े व्यक्ति का बेटा, तो सबसे पहले हम एक बूढ़ा व्यक्ति लिखेंगे, ठीक है, ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, और इसका कौन, इसका बेटा, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति का बेटा कौन लगता है, लिखा है कि मेरे बेटे का चाचा, इसका मतलब ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे बेटा मतलब ये मेरा बेटा, और उसका कौन, चाचा। अब देखिए आप बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि बेटे का चाचा ये लगता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस बेटे का चाचा है, तो इसका मतलब मैं और ये ओल्ड मैन का बेटा, मतलब ये और मैं दोनों कौन कौन होंगे, क्योंकि देखिए जो लड़का है ये इसका चाचा है, ठीक है, और इसका कौन है, ये मैं जो मतलब यहाँ लिखा हुआ है ये इसका पिताजी है, ठीक है, तो दोनों भाई भाई होंगे, तो इसका मतलब बूढ़ा व्यक्ति कौन होगा, इसका लिखा है कि बूढ़ा व्यक्ति मेरा करता है, तो कौन लगेगा, ये पिता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पिता।
इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चलता है, यदि फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता हो तो वह अपने स्थान से किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण में है। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, इसका मतलब हुआ कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, चला गया पूर्व की ओर, क्योंकि आप जानते हैं दिशाएं होती हैं चार, जिसमें ये पूर्व इधर होता है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि चलकर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी ओर का मतलब है नीचे की ओर मुड़ेगा, ठीक है, तो नीचे मुड़ेगा कितना मुड़ेगा 2 किलोमीटर, फिर चलता है, फिर चल दिया, फिर यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए, यदि वह फिर दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने स्थान से किस दिशा में है, यहाँ पर था और अब किधर, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ का मतलब क्या हुआ, दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि व्यक्ति जो है वो दक्षिण की तरफ है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, देखिए कैसे लगा रहे हैं हम लोग। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, तो हमें सिंपल से यहाँ पर इसका निकालना है योग, योग कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, मतलब योग हो गया है 450, ठीक है। अब कह रहा है यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए, देखिए 30 छात्र थे, छात्र कितने थे 30, अध्यापक जोड़ा आएगा तो एक छात्र बढ़ जाएगा, तो छात्र मतलब टोटल मतलब कितने आएंगे 31 लोग हो जाएंगे, ठीक है, और 31 लोग हो गए तो इनका औसत कितना होता है, तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, औसत था कितना 15 था, 2 बढ़ गया कितना हो गया 17 हो गया, तो योग कितना हो जाएगा, आप योग निकालिएगा, 17 × 17 = 7 हाँ से लगा 1 और 17 × 51 = 52 कितना हुआ 527, ठीक है। तो अध्यापक सहित आयु का योग कितना आया है 527 और अध्यापक को हटाइएगा तो आया 450, तो आपको निकालना है अध्यापक की आयु, तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए आपको 527 से 450 माइनस कर देना है, माइनस करिए 7 5, देखिए 12 से 5 के कितना बचा 7, तो आ गया 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपको दिखाया है 77 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए यदि रक्षित व याजवेंद्र की आयु का अनुपात 4:3 है, वर्तमान में उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष हो तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। रक्षित और याजवेंद्र दो हैं और आयु का अनुपात कितना है, इनका आय का अनुपात है, आयु का अनुपात 4:3, तो अगर हम एक्स मानेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x वाला हो जाएगा 3x, ठीक है, ये आय हो गए, इनकी आयु निकल के आ गई। यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान आयु में अंतर 10 वर्ष का हो, ठीक है, वर्तमान आयु देखिए ये हमने मान ली है और इनमें अंतर कितना है 10 वर्ष का, तो हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे 4x - 3x = 10 कर देंगे, तो हमारा निकल के आ गया यहाँ पर ax = 10, ax 10 निकल के आ गया। अब दोनों की आयु निकाल लीजिए, ठीक है, तो देखिए याजवेंद्र था, एक रक्षित था, रक्षित और एक याजवेंद्र, तो रक्षित की आयु कितनी आएगी 4x का मतलब है 4×10 मतलब 40 हो जाएगी और याजवेंद्र की हो जाएगी 3×7 = 30, ठीक है, तो रक्षित की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष और याजवेंद्र की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई। अब कहा गया 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग याद कीजिए, 15 वर्ष के बाद निकालना आयु का योग, तो 15 वर्ष के बाद का मतलब यहाँ प्लस का 15 करिए और यहाँ पर प्लस का 15 कर दीजिए, ठीक है, दोनों जगह, तो अब निकलेगा योग 15 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी आएगी 5×5 = 4×1 = 55 वर्ष आएगी और इसकी कितनी होगी 5×5 = 3×4 मतलब 45 होगी, इसकी 55 होगी। अब पूछा गया आयु का योग, तो इनको जोड़ लीजिएगा, 55 और 45 कितना हुआ आपका, तो 55 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की परसेंटेज कितना है, ठीक है, पास विद्यार्थियों का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा अगर इस प्रकार से जो है सवाल कोई पूछा है आपसे, तो उसके लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 गोले खींचने हैं, ठीक है, इस प्रकार से 2 गोले कर लिए हैं, लिखा है 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में, 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो एक तरफ आपको इंग्लिश करना है, ठीक है, इस तरफ मान लीजिए, इस तरफ आपको हिंदी और बीच वाले में दोनों, ठीक है, प्लस मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों। कहा गया है कि 30% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में, 10% दोनों में, दोनों में जितने उन्हें बीच में रखेगा, 10% दोनों में फेल हुए हैं तो 10% हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। अब कहा गया है कि 30% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने हुए 30%, देखिए 10% हमने यहाँ पर लिख लिए तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हम लोग 20%, ठीक है, क्योंकि 10% इधर लिख लिए हैं, और इसी प्रकार देखिए हिंदी में कितने हुए, हिंदी में 20% फेल हुए और 10 हमने यहाँ लिख लिए हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सिर्फ 10%, ठीक है, तो देखिए इतना हमारा हो गया है। तो
तो हमें क्या पूछा गया है, दोनों विषय में पास निकल चुका है, लेकिन ये वाले कौन से हैं, ये सभी विद्यार्थी फेल वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो फेल कितने हो गए, 10, 10, 20, 20, 40, तो 40% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। और जब 40% फेल हो गए हैं तो पास कितने होंगे, आप सभी जानते हैं 100% वैल्यू होती है हमारे हमेशा पास की, और इसमें से 40% फेल हो गए हैं, तो मतलब 60% जो हैं विद्यार्थी पास हो पाए हैं, ठीक है। कितने हो पाए हैं, 60% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं। तो ऑप्शन आपको चेक करना है यहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, संबंधित आकृति आपको चूज करना है यहाँ पर है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर आपका कौन सा आएगा आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, देखना है पहले आपको पहले वाले चित्र में देखना है यहाँ पर है कि यहाँ पर 5 भुजाएँ हैं और यहाँ पर कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे 4 भुजाएँ, ठीक है। 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। और आगे आपको देखना है, आगे यहाँ पर रखी है 4 भुजाएँ, तो 4 से कितनी हो जाएंगी, 3। समझे इतनी बात को कि जब 5 से भुजाएँ हो गई 4, तो 4 से हो जाएंगी भुजाएँ 3, तो त्रिभुज बनेगा। तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन दोनों गलत होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे त्रिभुज वाले में से कौन सा होगा इनमें से, उसकी बात कर लीजिए। इसमें देखिए बिंदु बाहर था काला वाला, ये अंदर आ गया, ठीक है। इसमें वही काम करना है कि ये बाहर काला वाला बिंदु है तो ये अंदर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में आपको दे रखा है, तो सी वाले में नहीं रखा है, तो सी वाला गलत होगा और ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, समझिए सवाल को। पहली वाले दोनों आकृति को देखिएगा, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है दर्पण, ठीक है। दर्पण रखेंगे तभी ये बिल्कुल आकृति पलट जाएगी, तो आपको वही काम यहाँ करना है, यहाँ पर भी एक दर्पण जैसा लगा देना है, अब आकृति को पलटना है। तो देखिए इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में आपको रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर देखिए बेमेल आकृति को आपको चूज करना है, बेमेल कौन सी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको और भी प्रैक्टिस चाहिए लगा के, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आकर आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा इसमें विषम है, ठीक है, अलग है, बेमेल कौन सा है। तो बेमेल की बात की जाए तो प्रत्येक यहाँ पर देखिए कोण कुछ बंदा है, यहाँ पर कोण बंदा है, यहाँ पर भी कण बंदा है, लेकिन अगर इस वाली आकृति की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल 90° पर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल टी टाइप से बना हुआ है। बकाया सभी में बिल्कुल लगभग एक जैसा है, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। और देखिए इसके बाद 39 नंबर देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक आकृति जो है देखिए बिल्कुल सेम डबल आकृतियाँ हैं बिल्कुल बराबर साइज की हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है इसमें भी है वही काम, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले में जो दो आकृतियाँ हैं बराबर साइज की नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बेमेल हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बेमेल हो जाएगा। 40 नंबर में सोचिएगा आप लोग कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल इसका जवाब है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगर कहा जाए क्यों होगा, क्योंकि देखिए किसी पार्ट में कहीं पर भी कोई पार्ट इसका ब्लैक नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट में जो है यहाँ पर ऊपर ब्लैक है और नीचे की तरफ भी इसमें पार्ट जो है ब्लैक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लिखे हुए हैं। 41 नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1889, 1875, 1885, 1905। आपको यहाँ पर भी चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 42 नंबर देखिए, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज, बताइए फटाफट जल्दी से कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, इसे लिखा हुआ है पंचायती राज किसका हिस्सा है, लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद और विधान परिषद का। तो पंचायती राज जो है वो जिला परिषद का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, राज्यसभा का उपसभापति, तो इसमें कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा, अटॉर्नी जनरल जो है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त, 1 फरवरी, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, तो एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा, 1 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद 46 नंबर लिखा हुआ है, भारत में 1998 में परमाणु परीक्षण किस दिन किए थे, 11 व 13 मई, 14 व 18 अप्रैल, 11 व 13 जून या 25 व 28 मार्च, तो किस दिन किए थे,
तो 11 व 13 मई को किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट होगा, 11 व 13 मई। 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है? अगली अवधि पर 2 महीने में, 6 महीने में, 2 वर्ष में। तो कब करवाना पड़ता है? 6 महीने में करवाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर स्थित है? तो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया? 1922, 1920, 1919, 1930। तो कब किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, 1930 में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त 1948, 6 फरवरी 1948, 14 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1950। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 फरवरी 1948। इस प्रकार से हमारे रागा के 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपको पता लग गया होगा किस प्रकार से पेपर ये आया था और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको रागा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी एयरफोर्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।